मैं यहाँ से 20 साल से बाल संस्कार चला रही हूँ। संस्कार का मतलब है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, माला करना, तुलसी के पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना। माता पिता और दादा दादी को प्रणाम भी करते हैं सुबह उठ के, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। सुबह जल्दी उठकर माला करना, तुलसी के पत्ते खाना, मम्मी पापा को प्रणाम करना। बताया ना बाहर के बच्चों, इनको में इतना फर्क आता है कि ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं, फिर आकर दर्शन करते हैं, माला करने बैठते हैं, शाम की संध्या भी करने बैठते हैं। 2013 से बापू गए हैं ना, तब से मेरा बाल संस्कार बंद हुआ ही नहीं है, और लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं। इतने सालों से आ रहे हैं और विश्वास अभी भी वैसा के वैसा ही है। बापूजी निर्दोष पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेगी। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तभी तो आप लोग आते हो और अभी भी निर्दोष मानते। दुनिया है, जो अच्छे काम करते हैं ना उनके पीछे सब गलत बोलते ही रहते हैं, दुनिया ही ऐसी है। लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाले हैं, हमने हमको हमारा अनुभव तो पता ही है। हमारे बापू निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे और निर्दोष हैं। यही प्रार्थना करेंगे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें। और दो बच्चों ने भी बताया कि हम बचपन से आते हैं, बोले यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती, यहाँ अच्छे संस्कार ही दिए जाते। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। तो आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जांगीरपुरा सूरत के अंदर बाल संस्कार केंद्र कार्यालय के अंदर। आज हमारे साथ एक बहन है बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागृति पटेल है, मैं सूरत से हूँ, गोडोर रोड से। मैं यहाँ से 20 साल से बाल संस्कार चला रही हूँ। क्या यहाँ एक्चुअली क्या शिक्षा दी जाती है बाल संस्कार? बाल संस्कार का मतलब है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, कि अभी उनको पढ़ाई में याद नहीं रहता है, उनको माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो हम लोग बताते कि सुबह में उठ के पहले हाथ का दर्शन करो, माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम करने से क्या फ़ायदा होता है वो, और सूर्यनारायण भगवान को अर्ध चढ़ाओ, उनसे क्या उनको लाभ होता है कि सूर्यनारायण भगवान को अर्ध चढ़ाने से अपनी याद शक्ति बढ़ती है और अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। तुलसी के पत्ते क्यों खाना चाहिए, कि तुलसी के पत्ते खाने से भयंकर जैसे कैंसर जैसे रोग भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो और क्या ये परिवर्तन होता है क्या? हाँ होता है, पूछो उनके पिता भी आए हुए, बच्चे भी है और उनके साथ उनके पिता भी है, दोनों बच्चे बाल संस्कार। हाँ हाँ, वो जब छोटे से तब से आ रहे हैं। पहले वो लोग माता पिता का आदर नहीं करते थे, माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, अब सब कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयेश वालके, गोबीपुरा सूरत से। सूरत में रहते हो, बताया कि आपके बच्चे भी यहाँ बाल संस्कार केंद्र में आते हैं। हाँ हाँ, कितने सालों से आते हैं ये लोग? तो बचपन से आते हैं, और मेरे को 23 साल हो गए बापू जी से। 23 साल क्या परिवर्तन देख रहे हो, मतलब जो बाहर के बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड के होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे, और आपके बच्चों में क्या परिवर्तन देखते हो? परिवर्तन है ना बाहर के बच्चों, इनको में इतना फर्क आता है कि ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं, फिर आकर दर्शन करते हैं, माला करने बैठते हैं, शाम की संध्या भी करने बैठते हैं, और हमारे और आज्ञा भी सब मानते हैं, सारे काम करते हैं, माता पिता और दादा दादी को प्रणाम भी करते हैं सुबह उठ के, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। आजकल के बच्चे देखते हैं तो प्रणाम नहीं करते। उन लोगों को शर्म आती है पैर छूने के लिए। क्या नाम है आपका? दाताराम। कहाँ रहते हो? गोपीपुरा। कितने सालों से यहाँ बाल संस्कार में आते हो? बचपन से आते हो। क्या सीखने को मिला यहाँ से? सुबह जल्दी उठकर माला करना, तुलसी के पत्ते खाना, मम्मी पापा को प्रणाम करना। ये भाई तुम्हारा भाई, ये भी आता है तुम्हारे साथ ही बाल संस्कार में आता है, क्या सीखा यहाँ से आपने? माला करना, तुलसी के पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना। आपने बताया 23 सालों से आते हो, तो क्या कभी कोई गलत गतिविधियाँ देखी क्या यहाँ, कोई गलत होती? नहीं, ऐसा कुछ भी होते हुए देखा नहीं, इतने सालों से आ रहे हैं और विश्वास अभी भी वैसा के वैसा ही है। बापूजी निर्दोष पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेगी। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे आसाराम जी बापू को, आजीवन कारावास की सजा हो गई? बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी अभी भी विश्वास बरकरार है। तो बापू जी ने अनुभवी सबको प्रसाद ही ऐसा दिया हुआ है कि वो अनुभवी पकड़ के चले तो भी तर जाएगा इंसान ऐसा। लेकिन लोग तो बोलते हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहूँ? लोग तो कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाले हैं, हमको हमारा अनुभव तो पता ही है कैसा है। वो यही प्रार्थना करेंगे बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करें। नहीं, कोई तथ्य नहीं यार। बेन, लोग बोलते हैं गलत होता है, ये सब गलत है, हमारे बापू निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे और निर्दोष थे। आपने बताया कि
इतने सालों से यहाँ बाल संस्कार केंद्र चलाते हो, तो बापू जेल जाने के बाद मतलब बच्चों की संख्या में कमी आई? अरे बढ़ रही है। कभी हमारा 2013 से बापू गए हैं ना, तब से मेरा बाल संस्कार बंद हुआ ही नहीं है। और लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चला रहे हर रोज, वो भी हर रोज चला रहे। और उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते, आशा रामायण का पाठ करते, वो झल्ली आए उसके उनके लिए जब भी करते हैं हम लोग। आरोपों में कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तभी तो आप लोग आते हो और अभी भी निर्दोष मानते हो। दुनिया है, जो अच्छे काम करते हैं ना उनके पीछे सब गलत बोलते ही रहते हैं, दुनिया ही ऐसी है। मतलब आरोपों में कोई कुछ नहीं है, कुछ क्या नहीं मांग करोगे? एक महिला हो वो ही के हमारे बापू को जल्दी रिहा कर दे। तो आपने देखा, ये बहन ने बताया कि सालों से यहाँ आते हैं, और पेरेंट्स ने भी बताया कि वो भी सालों से यहाँ संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, और दो बच्चों ने भी बताया कि हम बचपन से आते हैं। बोले यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती, यहाँ अच्छे संस्कार ही दिए जाते, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रप्तान न्यूज़।